YouTube के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 जो क्रिप्टो करेंसीज है उसके बारे में। टॉप 5 क्रिप्टो करेंसी जिसमें आप किसी भी गिरावट में निवेश कर सकते हैं। साथ ही साथ हम यहां पर टेक्निकल चार्ट को एनालाइज करेंगे, किस प्रकार के टेक्निकल चार्ट का फॉर्मेशन होगा तो आपको क्रिप्टो करेंसी जो है वो बाय करनी चाहिए। तो चलिए यहां पर हम शुरू करते हैं। तो पहला है बिटकॉइन, जो टॉप क्रिप्टो करेंसी है मार्केट कैपिटलाइजेशन वो है बिटकॉइन। यहां देखिए बिटकॉइन जो है नंबर 1 क्रिप्टो करेंसी है और इसका जो यहां पर मार्केट कैप है वो तो काफी जबरदस्त है। यहां देखिए इतना मिलियन हो गया, बिलियन हो गया, इतना बिलियन है, 1159 बिलियन, मतलब 1.5 ट्रिलियन मार्केट कैप है बिटकॉइन का। तो यहाँ पर बिटकॉइन के बात करें चार्ट का, तो देखिए चार्ट जब भी चार्ट पे आपको रिवर्सल का साइन दे वहां पर आपको इसमें एंट्री करना चाहिए गिरावट के बाद। देखिए कभी भी ऑल टाइम हाई पर नहीं करना चाहिए क्योंकि जो क्रिप्टो करेंसी है वो काफी वोलेटाइल है। अब देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर रिजेक्शन मिल रहा है, यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद जैसे यहाँ पर कोई गिरावट होता है तो गिरावट के बाद जो रिवर्सल होगा, जिस तरीके यहाँ पर गिरावट आया, ये सपोर्ट लेवल बनाया। अब देखिए हम यहाँ पर ये जो सपोर्ट लेवल है यहाँ पर लाइन खींच देते हैं, तो ये सपोर्ट लेवल बनाया, जैसे ये कैंडल रिवर्सल का साइन दिया, हम यहाँ पर बाय कर लिया और इसके जस्ट नीचे सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस रख दिए। अब यहाँ पर देखिए ये फिर वापस मुड़ के कभी भी स्टॉप लॉस हिट नहीं किया, मतलब इसके सपोर्ट के नीचे ब्रेक करके कभी भी क्लोजिंग नहीं दिया। क्लोजिंग बेसिस रखना है कि इसके नीचे हो जाता है क्लोजिंग तो हम यहाँ पर एग्जिट कर जाएंगे। फिर यहाँ पर जबरदस्त तेजी देखने मिला, उसी तरह यहाँ पर ये रेसिस्टेंस है, जब तक रेसिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर जाता है आपको बाय नहीं करना चाहिए, या तो ब्रेकआउट पर बाय कीजिए या गिरावट में जैसे रिवर्सल का साइन मिलता है तो बाय कीजिए। अब यहाँ पर रिवर्सल का साइन किस तरह से मिला ये भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जब नीचे सपोर्ट लेकर के रिवर्सल का साइन होता है तो यहाँ पर देखिए ये डब्लू पैटर्न बनाता है, तो देखिए ये डब्लू पैटर्न था, फिर यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हुआ, फिर यहाँ पर तेजी, तो फिर यहाँ से या तो ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होगा फिर यहाँ से तेजी होगा इस तरह से। तो जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर रिवर्सल साइन हुआ तो ये डब्लू पैटर्न बनाया, और जब यहाँ पर रेसिस्टेंस होगा तो या तो ये यहाँ पर ब्रेकआउट देगा या तो ये यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेस होगा फिर यहाँ जाएगा फिर रेसिस्टेंस लेगा और एम पैटर्न बनाते हुए नीचे की और, मतलब यहाँ पर फॉलिंग होगा, मतलब बिटकॉइन में गिरावट होगा एम पैटर्न बनाते हुए, तो किसी भी रूप में हो सकता है। तो ये आपको चार्ट पे हमेशा ध्यान देना है, डब्लू पैटर्न बनना है तो निश्चित यहाँ से रिवर्सल का साइन है, और यहाँ पर अगर एम पैटर्न बनाता है तो निश्चित रूप से बिटकॉइन में गिरावट हो सकती है, और अगर यहाँ पर सस्टेन कर जाता है इस रेसिस्टेंस के ऊपर जो कि यहाँ से यहाँ तक का लेवल है, अगर वैल्यू में बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा है, मतलब 50 लाख का वैल्यू है यहाँ पर हमारे इंडियन रुपीज में, तो इसके ऊपर जैसे सस्टेन कर गया तो फिर यहाँ पर आप स्टेक ले सकते हैं ब्रेकआउट पर। और जस्ट यहाँ पर जो ये सपोर्ट, मतलब ये रेसिस्टेंस रीजन है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो 42 लाख से लेकर 50,000 लाख तक का, ये आपको जो है स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा इसके नीचे क्लोजिंग बेसिस। तो इतना ज़्यादा बिटकॉइन वोलेटाइल है, देख सकते हैं काफ़ी वोलेटाइल, इसलिए इसमें आपको कहा जाता है कि आप अपने पोर्टफोलियो का 5% इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। उसके बाद जो दूसरा क्रिप्टो करेंसी है वो इथेरियम, ये भी काफ़ी ज़बरदस्त है। आप बिटकॉइन में निवेश करना नहीं चाहते हैं तो इथेरियम कर सकते हैं। देखिए बिटकॉइन काफ़ी बड़ा है मार्केट प्लेसन में, इथेरियम उससे छोटा है, तो इसमें ग्रोथ का पोटेंशियल भी काफ़ी ज़्यादा है। अब देखिए इसमें भी सेम चार्ट बना है जैसा बिटकॉइन का, यहाँ पर ये सपोर्ट रीजन बनाया था, सपोर्ट रीजन से जैसे ये रिवर्सल का साइन दिया तो ये भी देखिए यहाँ पर डब्लू पैटर्न बनाते हुए रिवर्सल दिया, तो डब्लू पैटर्न जैसे बनाया तो यहाँ पर देखिए चार्ट पर हम खींचते हैं तो देखिए यहाँ पर ये डब्लू पैटर्न बनाया कुछ इस तरह से, तो यहाँ पर जैसे ये डब्लू पैटर्न बनाया यहाँ पर फिर थोड़ा सा एडजस्टमेंट हुआ और फिर यहाँ पर ये ब्रेकआउट, यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट इसमें हो चुका है, बस यहाँ पर सस्टेन भी हो चुका है, अगर सस्टेन होता है तो फिर यहाँ से ज़बरदस्त हमें तेजी देखने मिलेगा और जो टारगेट होगा वो इसका डिप्थ होगा। देखिए ये जो गहराई होती है ये गहराई ऊपर की ओर टारगेट होगा, तो काफ़ी बड़ा टारगेट भी है अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट सस्टेन हो जाता है तो। ये दूसरी टॉप क्रिप्टो करेंसी है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए जो टॉप की क्रिप्टो करेंसी है ये काफी वेल एस्टेब्लिश है। अब देखिए इस सारे क्रिप्टो करेंसी का जो फंडामेंटल्स है उसको जानने के लिए आपको जो इसके व्हाइट पेपर को रीड करना पड़ेगा, कंपनी के वेबसाइट पर जाकर के इसके जो फाउंडर है, इसके जो भी मतलब कंपनी के एम्प्लॉय है उससे आप पूछ सकते हैं
कि कैसे हम इसके बारे में मतलब क्या विजन है, किस लिए मतलब क्रिप्टो करेंसी का फॉर्मेशन किया गया है। तो इस तरह से ज्यादा जितना ज्यादा आप जानकारी लेंगे उतना अच्छा होगा। या तो आप टेक्निकल चार्ट की मदद से यहाँ पर इन्वेस्ट कीजिए, रिस्क रिवार्ड रेशियो अपने फेवर में रखिए। 5% अपने पोर्टफोलियो का क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्ट करना है। अब वो 5% जो आप यहाँ इन्वेस्ट करेंगे उसको अलग अलग क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कीजिए। और उसके बाद जो तीसरा क्रिप्टो करेंसी है वो है बाइनेंस क्वाइन। देखिए बाइनेंस क्वाइन ये भी मतलब काफी जबरदस्त है। अगर यहाँ पर आपको देखना है मार्केट कैप में तो तीसरा देख लीजिए बाइनेंस क्वाइन है। चौथा यहाँ पर USDT है, तो USDT को हम यहाँ पर कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि इसमें कोई खास मोमेंटम नहीं मिलता है। यहाँ पर हम चलेंगे फिर कार्डानो है, इसका सिंबल ADA है। फिर सोलाना है, इसका SOL सिंबल है। अब इसको USDT में लेते हैं तो इसके आगे USDT लगा देना है। तो तीसरा जो क्रिप्टो करेंसी है बाइनेंस क्वाइन ये भी काफी जबरदस्त है। देखिए यहाँ पर इस पे भी काफी जबरदस्त यहाँ से मोमेंटम देखने मिला था। तो यहाँ पर मोमेंटम के बाद फिर यहाँ गिरावट होता है। ये भी यहाँ पर सपोर्ट रीजन बनाया, तो जैसे सपोर्ट रीजन बनाया तो सपोर्ट से जैसे रिवर्सल का साइन आपको मिलता है तो आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए ये इसका सपोर्ट रीजन है, तो जब भी सपोर्ट रीजन पे यहाँ पर रिवर्सल का साइन मिलता है आप इन्वेस्ट कीजिए। ये भी सेम पैटर्न देखिए W पैटर्न बनाते हुए जो बिटकॉइन में यहाँ पर गिरावट हुआ था तो उसके साथ सब में गिरावट हुआ और सब जो है यहाँ पर देखते हैं ये जो टॉप क्रिप्टो करेंसी सब यहाँ पर आया W पैटर्न बनाया। किसी का W का वीक थोड़ा लंबा था, किसी का छोटा था, तो यहाँ से W पैटर्न बनाते हुए ये क्रिप्टो करेंसी भी यहाँ पर मूव किया। लेकिन इसमें थोड़ा सा जो यहाँ पर रिकवरी था वो काफ़ी कम हुआ है, जबकि इथेरियम बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई पे क्रॉस कर चुका है। ये अपने ऑल टाइम हाई को अभी क्रॉस नहीं किया है तो ये थोड़ा सा वीक है, जबकि इथेरियम और बिटकॉइन इससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर जो हम स्ट्रॉन्ग बात करें वो चार्ट की बात करें तो चार्ट पे इथेरियम और बिटकॉइन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उसको किसी भी गिरावट पर आप बाय कर सकते हैं। अगर ये यहाँ पे भी अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करता है तो ये भी काफी मतलब चार्ट पे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा जितना कम टाइम में क्रॉस करे। अगर ये यहीं पर साइडवेज हो जाता है तो फिर जो रेंज बनेगा, जैसे ये रेंज यहाँ पर बना रहा है, अगर यहीं से ये रेसिस्टेंस ले लेता है तो इसका रेसिस्टेंस यहीं पर हो जाएगा 545। ये इसका रेसिस्टेंस लेवल बन जाएगा, फिर इसे रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ नेक्स्ट रेसिस्टेंस लेवल है। इससे जब कई सारे रेसिस्टेंस हो जाते हैं तो उस चार्ट को हम काफी वीक बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें देखना होगा तो क्या ये अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करता है या यहाँ पर रेसिस्टेंस फेस करता है। उसके बाद जो अगला चौथा क्रिप्टो करेंसी है वो है कार्डानो। ये भी काफी जबरदस्त है और देखिए यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन के आसपास ये यहाँ पर सपोर्ट अपना बना सकता है। इस ट्रेंड लाइन के आसपास अगर ये यहाँ से मतलब सपोर्ट ले लेता है तो फिर बाय करेंगे रिवर्सल के साइन के साथ। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर हमें ये यहाँ तक आता हुआ देखने मिलेगा जो है $1 तक। ये डॉलर में है, रुपीज में नहीं है, तो $1 तक आता हुआ देखने मिल सकता है। फिलहाल इसका भी ऊपर जो रेसिस्टेंस है वो है $3 के आसपास का रीजन। तो ये भी अपने चार्ट पे अभी काफी वीक है, जबकि इथेरियम बिटकॉइन काफी ज्यादा स्ट्रांग था। ये होता है सेक्टर लीडर, मतलब किसी भी सेक्टर के लीडर के साथ क्रिप्टो करेंसी में रहना है, सेक्टर लीडर के साथ रहिए, ज्यादा बेटर रहेगा। आराम से अपने पोर्टफोलियो का 5% इन्वेस्ट कीजिए और चेन के नीचे सोइए, निश्चित रूप से लॉन्ग टर्म में काफी बेहतरीन रिटर्न मिलेगा। उसके बाद अगला क्रिप्टो करेंसी है सोलाना। ये भी काफी जबरदस्त है, इसका चार्ट भी काफी जबरदस्त है। देखिए अपने कभी भी प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया है, यहाँ पे भी देखिए यहाँ पर जबरदस्त एक रैली दिखाने मिला, फिर से यहाँ पर ये थोड़ा कंसोलिडेट हुआ, कंसोलिडेट होने के बाद काफी जबरदस्त रैली, यहाँ पर अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही चल रहा है। अगर यहाँ से ब्रेक करता है तो फिर ये भी काफी जबरदस्त यहाँ पर टारगेट देगा। यहाँ पर देखिए 220 के ऊपर यहाँ पर ब्रेकआउट होगा और इसका जो डिप्थ है वो 100 का है, $100 का ऊपर यहाँ पर $100 का आप यहाँ पर टारगेट रख सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी है तो $100 से ज्यादा का मिलेगा। जनरली हमें जो है $100 उस तो स्टॉक्स में मिलता है, यहाँ पर आपको काफी ज्यादा मिलेगा क्योंकि क्रिप्टो करेंसी काफी वोलेटाइल होता है, इसमें रिस्क भी आपका काफी ज्यादा रहता है, तो साथ ही साथ यहाँ पर रिटर्न भी आपको काफी जबरदस्त मिलता है। तो दोनों बातें आपको देखना, दोनों पहलू पर ध्यान देना होगा और साथ ही साथ लगातार ध्यान रखिए चार्ट किस तरह का फॉर्मेशन हो रहा है और इसके व्हाइट पेपर को पढ़िए, सारे फंडामेंटल पैरामीटर्स को पढ़िए, क्या टेक्नोलॉजी लेकर आया है ये क्रिप्टो करेंसी, क्या चेंज लाने वाला है, और जो क्रिप्टो करेंसी हमारा काम करता है वो ब्लॉकचेन सिद्धांत पे काम करता है, तो इसमें कितना एनर्जी कंजम्पशन हो रहा है, कौन से ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी को ज्यादा फोकस कर रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी को ज्यादा यूज कर रहा है, वो ज्यादा हमारे एनवायरमेंट के लिए बेनिफिशियल होगा, वो करेंसी जो आपको ज्यादा रिटर्न देगा आने वाले समय में। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा। तो कोई भी क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, जब पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के एजुकेशन और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए।